कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल से ऑडियो वीडियो और इमेज जो है वो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, और उसको हम बहुत मेहनत से शूट किए रहते हैं, अपने मोबाइल में रखे रहते हैं। जब वो डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, उसको कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपके मोबाइल से कोई भी ऑडियो वीडियो और इमेज जो है जो डिलीट हो गया है, वो भी 7 साल पुराना है और आपके मोबाइल से डिलीट हो गया है, तो उसको आप कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे मतलब उसको वापस लाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं और मैं वो आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल से अगर कोई भी पुराना जो 7 साल पहले तक का जो डिलीट हो चुका है, तो आप उस मोबाइल से, जिस मोबाइल से डिलीट हो चुका है, उस मोबाइल से आप उसको कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपके मोबाइल से जो भी ऑडियो वीडियो और इमेज जो डिलीट हो चुका है, उसको आप कैसे लाएंगे, मतलब इसको कैसे रिकवरी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपके मोबाइल से ऑडियो वीडियो और इमेज 1 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक का आपका जो आपके मोबाइल से कोई फ़ोटो ऑडियो और वीडियो डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, उसको आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप उसको वापस लाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर ओपन हो सकते हैं। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, उससे आपका जो फोटो हो ऑडियो हो वीडियो हो वो डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से उसको वापस ला सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको टाइपिंग कर देना है डिस्क डीजर, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका लुक नज़र आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 100 मिलियन प्लस में डाउनलोड हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा ये एप्लीकेशन है। तो आपके मोबाइल से जो फोटो ऑडियो वीडियो अगर डिलीट हो चुका है और आप टेंशन में कि कैसे वापस लाए, तो आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपका 7 साल तक का कोई भी जो फोटो ऑडियो और वीडियो डिलीट हो चुका है, उड़ चुका है, उसको आप बहुत ही आसानी से रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो आपको रिकवरी करने के लिए, वापस लाने के लिए आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेप मिल जाता है, यहाँ पे स्वीप फ्री स्पेस और यहाँ पे दूसरा है कि फुल स्कैन रूट। अगर आपका मोबाइल में रूट है तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना जो भी ऑडियो वीडियो है उसको रिकवरी कर सकते हैं। या आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है बेसिक स्कैन, मतलब नो रूट। अगर मेरे पास जो मोबाइल है वो रूट नहीं है, तो सिंपली मैं पहले वाला ऑप्शन को चूज करूँगा, स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपका जो नीचे रिकवरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जो भी मोबाइल से जो ऑडियो वीडियो और इमेज फोटो यानी जो भी डिलीट हुआ है, उड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आपका रिकवरी करेगा, वापस लाएगा। वहाँ नीचे यहाँ पे 0 फाइल, यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे जो आपके मोबाइल से डिलीट हुआ है, उड़ा हुआ फोटो ऑडियो और वीडियो, यहाँ पे उसको रिकवरी करके वापस ला रहा है। तो आपका जो मोबाइल से देखिए यहाँ पे जो फोटो यहाँ पे उड़ा हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 77 हो गया, 90 हो गया, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ते जाएगा। जो भी डिलीट हुआ है, महीने 2 महीने साल भर 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक के आपका जो भी ऑडियो वीडियो और इमेज है जो डिलीट हुआ है आपके जो भी स्मार्टफोन है उससे, तो वो सारे के सारे यहाँ पे उसको रिकवरी करके यहाँ पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 488 हो चुका है, 525 हो चुका है, आपको नीचे मिलेगा लेफ्ट साइड में यहाँ कोने पे, आपको यहाँ पे देखिए कि आपका फाइल जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे रिकवरी करके ये ला रहा है। तो ये लाता ही रहेगा। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो भी फोटो डिलीट हुआ है उसको किस तरीके से आप रिकवरी करेंगे, वापस लाएंगे। तो यहाँ पर आपको ढेर सारा जो फाइल फोटो है, जो भी आपको मोबाइल से जो डिलीट हुआ है, उड़ा हुआ, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे वापस लेके ये आ जाएगा। तो जिसको भी आपको रिकवरी करना है, वापस लाना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे ही अभी रिकवरी करता ही रहेगा, क्योंकि ये जो मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको रिकवरी कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि सर बताइए कि हम अपने मोबाइल से जो भी ऑडियो वीडियो जो डिलीट हुआ है, उड़ा हुआ है, उसको रिकवरी कैसे करेंगे। जो भी मेरे व्यूअर जो कमेंट किए थे कि सर मेरे मोबाइल से जो फोटो डिलीट हो गया उसको कैसे लाऊं,
तो एक वीडियो बना के दिखा दीजिए। तो मैं जो मेरे व्यूअर है उसके लिए मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही आसानी से 7 साल तक का जो भी ऑडियो वीडियो इमेज है उसको बहुत ही आसानी से रिकवरी कर सकता है। तो फोटो यहाँ पर देखिए कि 2491 यहाँ पर फाइल जो है ये रिकवरी कर चुका है, ये रिकवरी करता ही रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर जो भी मेरे मोबाइल से डिलीट हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमको इसको वापस लाना है, इसको वापस लाना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको जो भी फ़ोटो को वापस लाना है इस तरीके से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम इसको वापस लाना है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नीचे रिकवरी का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 टॉपिक मिल जाता है, 3 टैब्स मिल जाता है जिसमें आपको फ़ोटो को रिकवरी करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। पहला तो है आपका ईमेल में सेव कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव में आप जो भी फोटो को रिकवरी करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, आप इसमें वापस ला सकते हैं। दूसरा है कि आप अपना जो है मेमोरी है उसमें आप सेविंग कर सकते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में FTP है सॉफ्टवेयर, तो बहुत ही आसानी से इससे भी आप अपना जो ऑडियो वीडियो उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना चिप में, अपना मेमोरी में, अपना फ़ोन में सेव कर लेते हैं। तो सिंपली हमको सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सेव द फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा जो फाइल है ये मिल जाता है, आपको किसमें सेव करना है। यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर अपना फाइल भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरनल स्टोरेज में करना है या आपको SD कार्ड में करना है। इस तरीके से आप इसमें कोई फाइल को इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको किसमें सेव करना है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ मैं ZZV में यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ फाइल इस तरीके से यहाँ पर जो पिक्चर है ये आ जाता है, मैं इसमें सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ ZVV ऊपर में देखिए मेरा ये फाइल है, तो मैं जो भी इमेज सेलेक्ट किया हूँ, सेव किया हूँ, मेरा यहाँ ZVV वाले फाइल में यहाँ पे सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी फोटो आप रिकवरी करना चाहते हैं वो सारे के सारे यहाँ इस फाइल में आके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ नो थैंक्स हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर मिलता होगा आपको यहाँ पर रिकवरी कम्प्लीट, मतलब आपका जो भी फोटो ये सब जो है फोटो वो सारे के सारे रिकवरी हो चुका है, वापस आ चुका है उसी फाइल में जो फाइल आप सेलेक्ट किए थे। तो चलिए हम गैलरी को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और इस फाइल से हम बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से हम बाहर गैलरी को ओपन करने के बाद इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको जो भी फाइल होगा वो नीचे आपका रिकवरी होके आया हुआ होगा। तो इस तरीके से हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए हम ZVV वाले फाइल में जो सेलेक्ट किए थे कि इसमें रिकवरी होके आए, तो ये फाइल मेरा इसमें फ़ोटो रिकवरी होके आ चुका है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए कि ये फ़ोटो सब मैंने जो है सेलेक्ट किया था, तो ये फ़ोटो मेरे सारे के सारे यहाँ पर रिकवरी होके इस वाले जो फोल्डर है इसमें मैं जो है फोटो में सेलेक्ट किया था वो सारे के सारे यहाँ पे रिकवरी होके आ चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आपके मोबाइल से जो भी ऑडियो वीडियो और इमेज जो डिलीट हुआ है पूरा हुआ, तो गाइस इसी तरीके से आपके मोबाइल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल तक के आपके मोबाइल से जो स्मार्टफोन है उसे अगर डिलीट हुआ उड़ गया है ऑडियो वीडियो और इमेज, तो आप उसको बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से जिससे उड़ा हुआ उससे आप रिकवरी कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस यही वो एप्लीकेशन है जिससे आपके मोबाइल से 7 साल पुराना कोई भी ऑडियो वीडियो और इमेज जो है जो डिलीट हो चुका है उड़ चुका है उसको आप बहुत ही आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।